कल खानदेश का रथ जो शिरपुर से परंपरा से मालेगांव शहर से गुजरता है, कल भी यहां से गुजरा और एक कई वर्षों की परंपरा चली आ रही है, कभी भी कोई भी गढ़ पर जाने वालों को मालेगांव शहर आगरा रोड पर एक बाल बराबर भी धक्का नहीं लगा। लेकिन पिछले रमजान महीने में भी और अभी कल भी एक नवी रिवायत, एक परंपरा शुरू की गई कि कुछ सियासी लोग, जातिवाद संगठना के लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक मोमेंट शुरू करते चार दिन पांच दिन पहले कि हमको 40 गांव फाटे से इस्तकबाल करने के लिए सबको जमा होना है और शहर से वापस उनका इस्तकबाल करने के लिए ग्रुप के सर्कल में जाना और नारेबाजी, गलत शर्त लगाना कि दूसरे समाज का दिल दुखाने का काम किया गया। मालेगांव शहर की पुलिस ने बहुत अच्छा निवेदन की, बहुत अच्छा बंदोबस्त दी, मैं मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ मालेगांव शहर के मुसलमान भाइयों और मालेगांव शहर के सेकुलर हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं कि अमन के साथ कल का दिन हमारा गुजर गया। लेकिन जिस तरीके से रथ में घोषणाबाजी की गई, दिल दुखाने का काम किया गया, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, पुलिस के पास तमाम ही सबूत मौजूद है। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, विनती है, अपील है कि जो लोगों ने भी इस तरीके से, आपके पास वीडियो है, फुटेज है, सब कुछ है, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों के ऊपर जिन लोगों ने इस तरीके से घोषणाबाजी की या और कुछ कदम बढ़ाया है, ऐसे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस के पास तमाम ही सबूत मौजूद है, ये हमारी डिमांड है और मालेगांव शहर की आवाम, मालेगांव शहर और तालुके की आवाम से मेरी अपील है कि अमन बरकरार रखना हमारी तमाम ही लोगों की जिम्मेदारी है, हिंदुस्तानी नागरिक होने की हैसियत से, और इंशाल्लाह ये शहर भी करेगा और यहाँ का मुसलमान भी अमन बरकरार रखेगा। मैं वापस पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं, अच्छा निवेदन की वजह से और मुसलमानों को सब्र से काम लेने की वजह से कल एक हादसा टल गया। इसका क्रेडिट जहां पुलिस को जाता है वहां शहर के मुसलमान और हिंदू भाइयों को भी जाता है। पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो दो समाज को लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं और ये 2 साल से चल रहा है। बहरहाल मैं बहुत तफसील के अंदर जाना चाहता हूं लेकिन आज नहीं, पहले पुलिस कार्रवाई करे और नहीं तो एक पत्रकार परिषद लेकर मैं मुकम्मल डिटेल बातें एक एक सबूत के साथ, चाहे किस तरीके से 2 साल में माहौल वातावरण बनाया जा रहा है शहर में, वो तमाम ही बातें आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हम लोग करेंगे।